तेजा जी ध्यान दीजिएगा, धोड़िया थे। अरे ये धोड़िया जो गोत्र है ना बेटा, अभी तक जो हमने देवता पढ़े पीर, वो टोटल के टोटल राजपूत जाति में जन्मे थे, जबकि ये जो धोड़िया होते हैं ये जाट जाति के होते हैं। किस जाति में होते हैं बेटा? जाट जाति में होते हैं। और जाट के, जाटों का एक वंश है धोड़िया। देखिए जाट तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक तो होते हैं धोड़िया, हिंदी में लिख देते हैं इनको धोलिया। एक होते हैं जोजिया, एक कौन होते हैं? जोजिया। और एक होते हैं आंजना, ठीक है। तो जाट कितने प्रकार की? तीन प्रकार के होते हैं, धोड़िया, जोजिया और आंजना। अब इन तीन प्रकार के जाटों में गोत्रें तो हजारों की संख्या में हैं, लेकिन मूल इनकी जो खाप है वो केवल तीन, धोड़िया, जोजिया और आंजना। इनमें से तेजाजी महाराज जिस वंश के जाट थे वो कौन से थे? धोड़िया। बोलिए तेजाजी महाराज की जय। धोड़िया का मतलब वैसे होता सफेद, उज्जवल। वह वंश जो पूर्ण था उज्जवल है, ऐसे उज्जवल वंश में किसका जन्म हुआ? तेजाजी महाराज का। और बेटा जी ध्यान रखिएगा, तेजाजी महाराज का जन्म जिस गांव में हुआ उस गांव का नाम है खरनाड़। खरनाड़िया रे खरनाड़िया, अपने खरनाड़िया कहते हैं। खरनाड़ का जिला पड़ता है नागौर। नागौर के पास में ही है जिला नागौर। बेटा इस खरनाल के राजा थे, खरनाल के जागीरदार थे, वो ही तेजाजी महाराज के पिताजी थे। और खरनाल के जागीरदार जी का नाम था ताहड़ जी। क्या नाम था? ताहड़ जी, जिनको थिर राज भी कहते हैं। ताहड़ जी की पत्नी थी जिनका नाम था राजकुमारी। इन्हीं ताहड़ जी और राजकुमारी का जो बेटा हुआ वो हुआ हमारे आज की इस कक्षा का चरित्र नायक। और प्यारे बच्चों वो थे तेजराज जी या तेजाजी। ध्यान देना, इन तेजाजी को जिस नाम से जाना जाता है वह नाम है काला, वह दूसरा नाम है बाड़ा। काला व बाड़ा का देवता। देखो राजस्थानी कल्चर को समझना है तो राजस्थानी तरीके से ही समझना पड़ेगा, राजस्थानी माजनी से ही समझना पड़ेगा। आपको हिंदी की तमाम किताबों में मिलता है कि तेजाजी काला व बाला के देवता है। काला व बाला के देवता, ये बिल्कुल मिथ्या बात है साहब। लय और लय में बड़ा अंतर हो जाता है। देखिएगा काला होता है एक रंग, हिंदी के हिसाब से चले तो। हिंदी में बाला शब्द का अर्थ होता है लड़की, तो इसका अर्थ हुआ तेजाजी काले रंग की लड़कियों के देवता हैं। यानी कि काले रंग की लड़कियां तेजाजी की बभूत लगाएगी तो गोरे गुट हो जाएगी ना? गलत बात है। देखिएगा अक्सर से बड़ा फर्क पड़ता है। एक शब्द है कि तोप से गोला चला, हिंदी में गोला चला देते हैं। बंदूक से गोली चली, राजस्थानी भाषा में तो गोला और गोली को गाली समझा जाता। अपने राजस्थान में होता है तोप से गोला चला, ऐसा रश मोटो गोलो आर पड़ो। और बंदूक से गोली चली। और गोला और गोली का मतलब तो जूत पढ़ सकते हैं ऐसा करने पर। गोला का मतलब दास होता है, गोली का मतलब दासी होता है, ऐसा शब्द को सुनना भी नहीं चाहेगा। तो याद रखना, इसका सही अर्थ समझना है तो राजस्थानी तरीके से समझिए। और राजस्थानी में एक स्पेशल अक्षर है अड़ाय, और अड़ाय बिना राजस्थानी को समझ नहीं सकते। तेजाजी काला और बाला के देवता नहीं बेटा, काला व बाला के देवता हैं। यहां देखिएगा काला कहा गया है सांप को, और सांप भी कौन सा? काला, जिसको नाग कहते हैं, फण वाला सर्प। काला कहते हैं सांप को। राजस्थानी भाषा में बहुत से बुरे शब्दों को हम नहीं बोलते। किसी को सांप खा गया मौत का सूचक है, ऐसे शब्द हम बोलते ही नहीं बेटा। सांप का नाम, सांप के तो अपने सुनाओ ना, सास गेला कमाए कालदार देखो, ओ कालो आई गयो। सांप को काला ही कहते हैं, क्योंकि काला किसका प्रतीक है? यह सांप मौत का प्रतीक है। इसलिए अब किसी को सांप खा गया, सांप डस गया मौत, ऐसा भी नहीं बोलते। सांप डस गया तो राजस्थान में कहते पान लाग गयो, पान लाग गयो, पान लग गए। बुरे शब्द राजस्थानी भाषा में है ही नहीं।
हिंदी में कहते नारियल फोड़ो, अपने नारियल फोड़ा नहीं जाता, नारियल बधारा जाता है। हिंदी में तो फोड़ देते हैं, हिंदी में तो साहब अब दुकान बंद हो गई आपको सामान नहीं मिलेगा। राजस्थानी में बुरे शब्द है नहीं, अरे दुकान बंद नहीं की जाती। अपने तो राजस्थानी में दुकान को मंगल किया जाता है, दुकान मंगल कर दी सा, अब तो सुबह ही आपने सामान दे वाला। अपने बेटा हिंदी में कहते हो माय गॉड क्या करें मेरी चूड़ी फूट गई, अरे राम 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 राम। राजस्थानी में चूड़ी फूटने का मतलब तो विधवा होना होता है, कभी नहीं कहते चूड़ा। अगर भाई जब नाश भी हो जाता है, नुकसान हो जाता है चूड़ी का, तो ये कहते चूड़ो बद गयो, चूड़ो बड़ो हो गयो, कहते ही नहीं कहते। अरे ये घर को बंद कर दो, अरे घर बंद करने का मतलब तो होता पाटिया साप, वंश का नष्ट हो जाना। ऐसे बुरे शब्द अपनी राजस्थानी भाषा में बोले ही नहीं जाते। सांप एक बुरी बात है तो सांप को क्या कहते हैं, काड़ा। वैसे राजस्थान में प्राचीन काल में एक रोग होता था बाड़ा, जिसको हिंदी में कहा जाता है नारू। अब तो इसका उन्मूलन हो चुका है बेटा, पहले ये नारू रोग जब हो जाता तो बहुत दर्दकारक रोग था। विशेष रूप से पानी के काम करने वाले जो लोग हैं, नमकीन जिलों में काम करने वाले, उनमें ये रोग हुआ करता था। जब इसकी दवाई नहीं थी तो तेजाजी महाराज की जोत की जो भभूत होती है वो लगाने से नारू ठीक होता था। तो नारू तेजाजी काड़ा व बाड़ा के देवता, मतलब तेजाजी सांप और नारू के देवता हैं। तो बोलो तेजाजी काला व बाला के देवता हैं या तेजाजी काड़ा व बाड़ा के देवता? तो तेजाजी काला व बाला के देवता नहीं बेटा, काला व बाला के देवता नहीं है, काड़ा व बाड़ा के देवता हैं। यानी कि सांप के डसने पर तेजाजी की पूजा करेंगे या नारू रोग होने पर भी किसकी पूजा करेंगे, तेजाजी की। यह है तेजाजी का उपनाम, तेजाजी का उपनाम काला व बाड़ा का देवता। तो इनका तेजाजी का, ये समझ गए बेटा काला व बाड़ा का मतलब क्या होता है? काला यानी सर्प, बाड़ा यानी नारू रोग। उपनाम नंबर दो वो है कृषि का उपकारक देवता, कृषि का उपकारक देवता। बोलिए कृषि का उपकारक देवता कौन? तेजाजी। इसीलिए आज भी जो लोग, चौमासा बरस गया बहुत अच्छी तरीके से, और जब बीज बीजते थे पहले के लोग, आजकल तो ये परंपराएं छूटती जा रही हैं, परंपराओं को जिन्होंने छोड़ा वो पछता ही रहे हैं बेटा। एक जमाना था पर्वतसर का जो पशु मेला है वो सबसे बड़ा मेला था भारत का, आज उसका वजूद ही नष्ट हो गया। तांगा दौड़ होती थी मेले में, वो बंद हो गई। और तेजाजी प्यारे बच्चों कृषि के उपकारक देवता। आज भी किसान जब हड़ौत्या करता है पहली बार, बाजरा मोठ मूंग गुआर तिल बीजता है, आगे आगे बैल चलते हैं, पीछे पीछे हड़की मूठ पकड़ के ओरने में बीज ओरता हुआ किसान गीत गाता था कि लाग्यो लाग्यो जेठ आषाढ़ कंवर तेजारे लग तोड़ो गाजो सावण बाद वो खार्यो तेरो तड़ाव भर गोर कंवर तेजारे खार्या की योगा जान लागी खेजड़े बाजा बाजा ढोल मंजीरा रे कंवर तेजारे नौपत तो बाजी थारे नाम की गाजो गाजो जेठ आषाढ़ कंवर तेजारे नौपत तो बन लग तोड़ो गाजो सामने बाद वो। और बेटा आजकल इसीलिए जब कृषि का उपकारक देवता तेजाजी के गीत कृषक वर्ग गाता था तो ना तो सड़कों पर सांड घूमते थे ना सड़कों पर गाय घूमती थी। गाय की भी इज्जत थी, सांड की भी इज्जत थी और बैल की भी इज्जत थी। और जैसे ही बेटा हमने ट्रैक्टर का आविष्कार हुआ, ट्रैक्टर आया, ट्रैक्टर में तेजाजी का गाना बंद। बाजरा बीज रहे हैं और गाना चल रहा है छज्जे ऊपर बोयो रे बाजरो खिल गयो फूल चमेली को, उल्टा गीत। छज्जे के ऊपर तो बाजरा बो दिया और बाजरे के भी सारा चमेली का फूल लगा। बोलो बाजरे के चमेली का फूल, तो उल्टा पुल्टा होता है। इसीलिए बेटा अब गाय भैंस तो मरती है भूखी और बाजरे के खेतों में होते हैं गलत गलत काम। माघ शुक्ला चतुर्दशी के दिन, कौन से दिन? माघ शुक्ला चतुर्दशी के दिन मनाई जाती है हमारे तेजा जयंती। याद रखना तेजा जयंती, जबकि एक और चीज है तेजा दशमी। तेजा दशमी के दिन तेजा जी का जन्म नहीं हुआ था, तेजा दशमी के दिन तो तेजा जी की
मृत्यु हुई थी, तेजा जी ने वीर गति प्राप्त की थी, किस दिन? तेजा दशमी। और ये कब आती है? भाद्र शुक्ला दशमी के दिन। अरे किस दिन? भाद्र शुक्ला दशमी के दिन तेजा दशमी है, इस दिन तेजा जी का मेला लगता है, जबकि तेजा जी की जयंती माघ शुक्ला चौदस को मनाई जाती है। जन्म विक्रम संवत 1130 में हुआ था। तो तेजा जी की बहन का नाम था, वो नाम था राजल। ये कलर तो सूट नहीं करेगा। तेजा जी की बहन का नाम क्या था? बहन का नाम था राजल। क्या नाम था? राजल। प्यारे बच्चों ध्यान देने की बात है, तेजा जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तेजा जी का प्रतीक चिन्ह है तलवार लिया घुड़सवार, तलवार लिया घुड़सवार। एक हाथ में तलवार है, वैसे दूसरे में भाला भी, अपने तो तलवार ही देना क्योंकि मुख्य आयु तलवार है, तथा जिह्वा पर डसता सर्प। प्रतीक चिन्ह का मतलब मूर्ति में क्या बनाए, जिसकी पूजा करते हैं तेजा जी की, उसमें मूर्ति कैसी होती है? तो एक घुड़सवार है जिसके हाथ में तलवार है, उसके जीभ के ऊपर सांप डस रहा है, क्योंकि तेजा जी महाराज को जीभ के ऊपर ही सांप ने डसा था। लीलन सिंगारे पनेरा जावे रे तेजल आवे रे। तेजा राम प्रजापत गलत है, इनकी कर्मस्थली बूंदी कभी गई नहीं तेजा जी अपनी जिंदगी में। अजमेर और नागौर से तीसरे किसी जिले में तेजा जी का कोई रहा ही ये राजल बुंगरी के नाम से अब पूजी जाती है, ठीक है बेटा? वर्तमान में इनको बुंगरी कहते हैं, माता जी का मंदिर भी है सुरसरा में, ठीक है बेटा? तो बताइए ऐसा कौन सा लोक देवता जिसके प्रतीक चिन्ह में तलवार लिया घुड़सवार है और उसकी जीभ को सांप डस रहा है? वो है तेजा जी महाराज। मैंने तो बताई दिया तेजा जी महाराज के जो मंदिर है उसको थान कहते हैं। थान के आसपास निश्चित रूप से किसका पेड़ जरूर होता है? नीम का पेड़ होता है। तेजा जी का जो मंदिर है अमूमन किसके नीचे बनता है? नीम के नीचे बनता है। लेकिन ये बात यहां पर कोई महत्वपूर्ण नहीं है। ध्यान देना, जो मैंने अभी गा के सुनाया था वो तेजा जी का जो गीत है उस गीत को कहते हैं तेजा टेर। क्या कहते हैं? तेजा टेर। और नागौर में तो अलग ही तरीके से कहते, कान में दे लेते आंगड़े, खुद ने आंगड़ी दे ली अगले का पर्दा फाटो तो फाटो। किखारे तेरो तड़ाव भरगो कमर तेजा रे, कोई खार्या की ओगा जा लागी रे खांडे के जीवतारो। सुना होगा ना आपने ऐसा? अरे सुना है कि नहीं सुना? ए अरे नौमी वाली रात जगामा कमर तेजा रे। अजीब सा ही गाते हैं बेटा। तेजा जी का गीत, उस गीत को कहते हैं तेजा टेर। और मेरे प्यारे बच्चों ये जो तेजा टेर गीत है, कौन सा गीत है? तेजा टेर जो गीत है ये कब गाया जाता है? ये गाया जाता है हड़ौतिया करते हुए, किसान गाते हैं हड़ौतिया करते समय। किसान गाते थे पर ही लिखेंगे बेटा। अब तो मैंने वो बताई, ट्रैक्टर वाला सिस्टम बैठ गया है। रियल में तेजा टेर किसान गाया करते। सर नागौर आड़ा के लिए कुछ बोलो, नागौर वाले बहुत अच्छे होते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए अपने कहा जाता है कि नागौर जो है ना, अजमेर है राजस्थान का दिल है, अजमेर राजस्थान का दिल है, हृदय है, और हृदय के नजदीक ही होता है फेफड़ा, अजमेर के नजदीकी नागौर। तो हम कह सकते हैं अगर अजमेर राजस्थान का हृदय है तो नागौर राजस्थान का फेफड़ा है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्या हुई है रे फिर? चलो आइएगा चलते हैं बेटा।
तो तेजा टेर हड़ौत्या करते समय किसान गाते हैं, और ये तेजा टेर किसका है? तेजा जी का। मजे की बात जो यहां पर निकल के आई, तेजा टेर एकमात्र ऐसा गीत है इसके साथ किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। तो राजस्थान में ऐसा गीत बताइए जिसमें, जिस गीत को गाते समय किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग, तेजा थारे नाम से जाटांगे साथी छोड़ी रहे, किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। कौन सा ऐसा गीत है जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं करते? वो गीत है तेजा टेर। तेजा टेर गाते समय किसान याद रखना हाथ में छतरी रखते हैं, हाथ में छतरी रखते हैं, केवल पांव में घुंघरू जरूर मानते हैं बेटा, लेकिन वाद्य यंत्र में नहीं आता। तेजा जी ऐसे व्यक्ति थे, एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो खुद भी क्या करते थे, खेती करते थे, खेती करने के साथ साथ जनसेवा भी करते थे। ये तो सुबह उठते खेत में चले जाते और पीछे से इनकी भाभी जी रोज आना खेत में कलेवा लेकर आती। इनकी भाभी इस बात से दुखी थी कि यार इसको रोजाना कलेवा देना पड़ता है, जबकि तेजा जी का तो कोई परिवार दरिवार था ही नहीं। हुआ क्या था कि तेजा जी की शादी बिल्कुल बचपन में, तेजा जी की शादी क्या हुई, एक मेले में दोनों सगा सगा मिले, पुष्कर में। कहां पर मिले? पुष्कर में। पुष्कर में, पुष्कर कहां है? अजमेर में। इनकी पत्नी के जो इनके जो ससुर थे तेजा जी, रायमल जी मूथा नाम था, पनेर गांव के रहने वाले थे, और ताहड़ जी दोनों किस मेले में मिले? पुष्कर में। उस समय बेटा तेजा जी की शादी कर दी थी पीले पोतड़ों में, पीले पोतड़ों में, यानी कि 6 महीने की उम्र में, जब पोतड़ों में रहते थे। पोतड़ा सब जानते हो, छोटे बच्चों को जिस कपड़े में लपेटते हैं उस कपड़े को पोतड़ा कहा जाता है। मात्र 6 महीने की अवस्था में कहां पर शादी हो गई? पुष्कर में। और इसी शादी में हो गई कले राड़, जिसमें आपस में युद्ध भी हुआ, और जो ताहड़ जी थे तेजा जी के पिताजी, उन्होंने तेजा जी की जो पत्नी थी पेमल, उसके मामों को मार डाला, वही नेतागिरी कर रहा था, उसका वध कर दिया। तो इनमें संबंध बिगड़ गए, संबंध बिगड़ गए, और ये चाहते थे कि हम तेजा जी की जो पत्नी है पेमल उसको नहीं लाएंगे। किसी को पता भी नहीं, तेजा जी की 6 महीने की उम्र में शादी हुई थी, किसको पता होता है, इनको पता नहीं था। एक दिन तेजा जी की मम्मी और पापा बात कर रहे थे, और बात सुन ली तेजा जी की भाभी ने। किसने सुन ली? अरे बोले, तेजा जी की तो लुगाई है, ये तो लाते नहीं है, अगर ये तेजा जी की पत्नी आ जाएगी तो अपने मौज हो जाएगी, अपन तो हो जाएंगे जिठानी, अपन तो बेटे बेटे हुक्म चलाएंगे और देवरानी अपनी हुक्म बजाएगी, अपन ठरके से करेंगे रेस। अब इसने क्या किया, इसको सबको मना कर रखा था तेजा जी को बताना नहीं कि तेरी शादी हो चुकी। अब औरत को बेटा कोई बात का पता चल जाए वो बताई बिना रह सकती है? उसके तो आफर आने लगा, पेट फूलने लगा, गैस बढ़ने लगी, रह तेरी कब बताऊं, कैसे बताऊं, कैसे बताऊं, तेजा जी को बताऊं कैसे बताऊं। अब इस भाभी ने एक तरीका निकाला, रोजाना खेत में रोटी ले कलेवा लेके जाती थी। बेटा कलेवा जो लेके जाते हैं, जिस पोटली को बांधकर, उसको कहते हैं भाता। क्या कहते हैं? भाता। और खेत में बैठकर जो कलेवा कहते हैं उसको कहते हैं सिरावण। क्या कहते हैं? खेत में बैठकर भाते का सिरावण, कलेवा किस किस ने किया कमेंट करके बताएं। एक बार आया भी था, एक प्रश्न आया था कि हीरावणी क्या है, क्या है हीरावणी? ध्यान देना, मारवाड़ जो जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर इधर सैकोई क्या कर देते हैं, सैकिज के बोलते हैं, सड़क को बोलेंगे हड़क, सीधा को बोलेंगे हिदो, सीधा उजा तो हिदो उजा, स्नान को बोलेंगे हिनान, हिनान कर लो सा बोलते हैं, संपाड़ो को बोलेंगे हमपाड़ो कहते ही नहीं कहते, शर्म को कहेंगे हरम, सांप को कहेंगे हांप। तेजा जी हांपरा देवता है, हांपरा देवता। तो सैको क्या कर देते है? वो है, तो सिरावण से क्या हो गया हीरावण। और हीरावणी वो है, इसके प्रश्न आया था कि बहू को ससुराल में पहली बार दिया जाने वाला कलेवा, बहू को ससुराल में पहली बार दिया जाने वाला कलेवा क्या कहलाता है? हीरावणी।
जिसमें गोंद का लड्डू और दूध का गिलास होता है। यही कलेवा क्या कहलाता है? हिरावणी। और ससुराल में दूल्हे को पहली बार दिया जाने वाला जो कलेवा है बेटा, उसको कहते हैं कुंवर कलेवा। क्या कहते हैं? कुंवर कलेवा। अरे होता है कि नहीं होता? अब साहब भाभी को पता चला, भाभी खेत में इसने उपाय लगाया। एक दिन कच्ची रोटी ले गई, एक दिन जली हुई रोटी ले गई, तीसरे दिन साहब दही ले जाना भूल गई। ऐसे अटपटा काम करने लगी। तीसरा दिन, तीन चार दिन देखा तो बोलो भाभी रोजाना तो बढ़िया है, शानदार तरीके से खाना लेके आती है, आजकल तीन चार दिन से क्या चक्कर है? कभी कच्ची रोटी, कभी पक्की रोटी, कभी सब्जी में नमक नहीं। और बस भाभी को मिल गया। हम कहा बोल मेरे पर ऐसा नहीं करता, तेरे को रोटी ला के देते तू ये कम है क्या? अरे लाके दे रही है कोई कम है क्या? और बढ़िया गर्मा गर्म टाइम पे पराठे चाहिए ना तेरे को, तो तेरी औरत को क्यों बैठा रखा ससुराल में? लिया उसको। तीजा जी ने कहा मेरे तो औरत है ही नहीं, मेरे तो शादी नहीं हुई। बोले बोला है मेरे देवर, तेरी शादी हो चुकी है और तेजा जी आपका ससुराल इसके लिए स्पेस बना लेते हैं। अजमेर जिले का पनीर गांव है। अजमेर जिले का कौन सा गांव है? पनीर गांव है। ससुराल कहां पर है? पनीर। और पनीर कहां पर पड़ता है? अजमेर में। इसी पनीर में रहती आपकी पत्नी, जो वहां की रायमल जी मूथा की बेटी है। और बेटा पत्नी का नाम है पेमलदे। क्या नाम? पेमलदे। 30 साल के हो गए थे तेजा जी, 1130 में जन्म हुआ, ये घटना हो रही 1160 की। 30 साल तक तेजा जी को शादी होने के बावजूद पता नहीं था कि तेरी विवाह हो चुका है, पत्नी भी है। कितने महान थे। आज का छोरा सगाई के दूसरे दिन छोरी के नंबर का बांट लेता है, पता नहीं कहां से आते हैं। और छुप छुप के कभी छत पर, कभी बाथरूम, हाय जानू खाना हुआ क्या, व्हाट्सएप पे लग रहा हाय जानू है। अरे तेरा भला हो जाए, के जमाना आ गया है रे बेटा। हाय जानू स्वीटू एक सेल्फी भेजो प्लीज मेरे लिए, प्लीज इतना नहीं कर सकते। हाय क्या ड्रेस है, ऐसा है वैसा है, वो यूं बाका मुंह करके वो दिल वाली इमोजी भेजेगा। अरे तेरा भला हो जाए, कहां से जमाना कहां पर आ गया है। अरे राम 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 राम, जय हो जय हो जय हो। या राम और सीता जी का स्वयंवर होता था, राखी सावंत का स्वयंवर होने लग गए यहां पर, तो जमाने तो बदलेंगे बेटा। जिस बाजरे की बिजाई करते समय तेजा टेर गीत चलता था, वहां तेरी आंखियां का योग काजल चलता है, तो जमाना तो बदलेगा बेटा, बदलेगा बदलेगा। इसलिए परंपराओं को छोड़िए मत, तोड़िए मत। तेजा जी की पत्नी का नाम पेमलदे, तेजा जी का ससुराल पनीर, और बेटा पनीर कहां पर है? अजमेर है। ये जानू हमेशा ही धोखा देती है। फिर हम तुमसे जुदा हो के मर जाएंगे रो रो के। पहले तो वो लड़की की फोटो भी दूसरे दोस्तों को दिखा के क्या कहता है, लड़की है क्या रे बाबा, और इसकी अदा ओ बाबा रे बाबा रे बाबा 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 बा। और 6 महीने बाद में उनका संबंध टूटता है तो क्या कहता है, आंख ही क्या रोई है, दिल भी तेरी याद में रोया है, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। फिर ये दर्द भरे गाने सुनता है, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। तो भूल जाओ लड़की है क्या ओ बाबा, ये गलत है बेटा। आइए चलते हैं। तेजा जी की पत्नी का नाम पेमलदे, पनीर की रहने वाली, जिला अजमेर। भाभी ने ताना मारा और तेजा जी ने कहा कि एलो थारा रास पुरानी बावज मारी है, तेजो तो फलका जी में लो पनीर सहर का। कि हे भाभी ये पकड़ तेरे बैल, और ये पकड़ बैलों की रस्सी जिसको रास कहते हैं। एलो थारा बैल, एलो थारी रास भावज मारी है मेरी भाभी है, तेजो तो फलका जिमलो पनीर शहर का। तेरी रोटी भी लेजा नहीं खाएंगे, अब तो पनीर के पराठे ही खाएगा तेजा जी। कि हे
हरियो हरियो घास चरजो बेल्या मराओ, कोई पानी डो पीजो गहन तालाब को। कि हे मेरे बेलो, हरिया हरिया घास खाना, मैं तीन चार दिन में आ जाऊंगा। नागौर जिले में खेण गांव के पास में एक तालाब है, गहन तालाब, और उस गहन तालाब का पानी पीना, तीन चार दिन मेरे इंतजार मत करना, मैं आ जाऊंगा। ऐसा कह के भाभी को फटकारते हुए सीधे कहां के लिए निकल जाते हैं, पनेर के लिए। तेजा जी बैलों को छोड़कर सीधे घर पे आए और अपनी घोड़ी को सजाने लगे। तेजा जी की मां राम कुमारी ने पूछा कि एड़ा काई बोल बोलिया मारी बीननी ये, तेजा जी श्रृंगार रही घोड़ी लीलनी ये। हे मेरी बीननी, हे तेजा जी की भाभी, ऐसा क्या ताना मार दिया कि घोड़ी को सजाने लग गए। साफ घोड़ी को सजाया तेजा जी ने। तेजा जी महाराज की घोड़ी, घोड़ी का नाम लीलन, कई जगह सिंगारी भी मिलता है, तथ्यात्मक इनका जो नाम है बेटा वो क्या है, लीलन। शेयर करो छोरो, शेयर करो, शेयर करो, लाइक ठोको, लाइक ठोको, ज्यादा से ज्यादा इसको आगे से फैला दो, फैला दो, फैला दो, फैला दो, फैला दो, ध्यान देना लीलन। और साहब लीलन पर बैठ कर तेजाजी महाराज चले कहां, साजन चले ससुराल पनेर। अब पनेर में क्या कि तेजाजी का एक साडू था जो रोजाना ही आ जाता और ससुराल वालों को बुरी तरीके से दुखी कर रखा था। ससुराल वाले दुखी हो गए थे, आज आने थे तेजाजी, इधर सासू ने प्लान बना रखा था, बोले वो वापना वो जमाई आज आ गया तो सिर फोड़ूंगी और घर में घुसने ही नहीं दूं। पर बेटा दिनमान खराब है ना, ऊंट पर चढ़ेड़ा के भी गंडक बटको भर ले, दिनमान तेजाजी का खराब, वो साडू तो पूछो को नहीं। और बठे पूछगा तेजाजी, पहली बार सास रे जाए जना जुआई तारा की छाया जाया करे, तारा हो गया, अंधेर हो गया, तारा हो गया और जार तेजाजी दरवाजो खटखटायो, अंदर से आवाज आई, कौन? तेजाजी ने कहा आपका जवाई। सासू ने देखा रहे वो रोजना आता है, वो ही आ गया। सासू को गुस्सा आया हुआ था, सासू ने धोखे में कह दिया कि तेरा सत्यानाश हो जाए तुझे काला खा जाए, यानी कि तेरा सर्वनाश हो जाए तुझे काला सांप खा जाए। और तेजाजी जैसा स्वाभिमानी आदमी ऐसी गाली सुन सकता है? सवाल ही नहीं साहब। तेजाजी लीलड़ पर बैठकर वापस चले, बताया भी नहीं कि वो रोजिना वाला जवाई नहीं आ, तो नया नया मेला पहली बार आया है। स्वाभिमानी आदमी थे, चले बारे गुजरों की ढाणी, और गुजरों की ढाणी में एक महिला जिसका नाम था लाछा गुजरी, एक माली के घर भी रुके थे पहले जाने से पहले। लाछा गुजरी ने देखा कि घड़े पर बैठ करके एक जोरदार गबरू जवान जा रहा, बांकड़ली मूछा, सिर पर केसरिया शाफा, एक हाथ में भाला, एक हाथ में तलवार, हाथ में सोने का कड़ा, पांव में सोने का कड़ा, कलंगी सिरपेच शानदार। लाछा ने देखा कोई राजा है, कौन है? अपने मानना नागौर मारवाड़ साइड के आदमी होते नहीं बेटा, कोई अनजान आदमी मिलता है तो पूछते जरूर भाई कौन है, राम राम सा, राम राम सा, क्यों गांव आप रो, जरूर पूछेंगे। अनजान आदमी को देखकर लाछा ने कहा कि राम राम सा, क्यों गांव आप रो। ये लाछा बेटा पेमल की सहेली थी। किसकी सहेली थी? पेमल की। और ये पेमल अपने मन की सारी बात किसको बताती थी? लाछा गुजरी को। ये लाछा गुजरी दोनों साथ होते तो कहती थी पेमल कि देख लाछा, मेरे जीजा जी तो रोजन आ जाते, जीजी का जुगाड़ बैठता, कभी तेजाजी भी आएंगे तो कहते हैं चिंता मत कर, भगवान ने चूस दिए तो चुग्गा भी देगा, एक दिन तेजाजी आएंगे। बेटा लाछा ने पूछा राम राम सा, क्यों हो गांव आप रो, कटाओ आया हो, कौन सो गांव है था को? और तेजाजी ने कहा राम राम सा, राम राम सा, मारो तो नागौर जिले का माई खरनाल गांव है। लाछा ने कहा खरनाल में तो मेरी सहेली पेमल का भी ससुराल है। तेजाजी ने कहा मैं पेमल रो पाऊ जू, अरे पेमल रा पाऊना होते तो अटिन ऊंदा किया जाओ, तो पेमल अगर तो उठिन रही गया, लारे रही गया बचे। तो कैसा मैं तो ऊन घर में नहीं जाऊं, उठे मारो अपमान कर दियो, मारी सासू मनी एड़ा बोल बोलिया कि थारो सत्यानाश हो जाए तो न काड़ू खा जाए, हूं तो उन घर रो पानी नहीं पियो, उन घर री थड़ी नहीं चढ़ू। लाछा समझ गई भी जीजा रे चक्कर रे माए, दूजोड़ा जीजा रे चक्कर माए तेजोजी काम आई गया। और साहब बोली तो यूं करो आप मारे घरे तो रुक सको, डबो आप साय पानी पियो, लाछा रे घरे। तेजाजी रुकिया और बेटा लाछा भागी भागी नाटी नाटी कट गई पेमल रे कने, अरे पेमल जुलम ही गया, बोलो कहीं भी हो, अरे थारा पावन आया प्राण बथारी मां है जो तुम्हारा अपमान कर दी दो, अरे वे तेजोजी आ, बोले तेजोजी जा,
और रे रुम्मा को गाड़ियां निकालने लगी लाछा। अरे तेरा हिया फूटा है, थारी शर्म बागी है, बार रोजीना जीजू साहब जने तो की नहीं कहवे, अरे आज मारो गर्दनी आयो तो उन तू अपमान कर दियो, तू है तने एडी सासूस को जुमाई, आपका जुमाई पहली बार आयो उन अपमान करे। और साहब गुस्से में भर के पेमल सीधी किसकी ढाणी में पूछी, लाछा गुजरी की ढाणी में, वहीं पर पहली बार तेजाजी और इनके जो पेमल दे हैं इनकी नजरें टकराती है, मन में खुशी के अंकुर फूटते हैं। खूब समझाती पेमल घर चलो लेकिन नहीं जाते और यहीं लाछा गुजरी के घर में रात को रुक जाते हैं। और दुर्भाग्य से उसी रात्रि को लाछा गुजरी की गायें, लाछा गुजरी की गायें चोर ले गए। किसकी गायें? और तेजा जी ने नमक खा लिया था बेटा, राजस्थान का आदमी और कोई काम ढंग से जाने या नहीं जाने, लेकिन नमक का मोल चुकाना जानता है। एक जानी चोर था राजस्थान का, चोरी करने किसी सेठ की हवेली में घुस गया, चोरी करने ही वाला था, भूख लगी हुई थी कि ककड़ी कटी हुई पड़ी थी, ककड़ी का एक पीस उठा के खा लिया, लाखों करोड़ों का गहना था वापस रख दिया। जाने लगा तो बाकी के चोरों ने और बुचर जा कह रहे, बोले तुम भी आ जाओ यहां से, फूटी कोटी नहीं चुरा सकते। बोले क्यों? बोले मैंने ककड़ी खा ली और ककड़ी के नमक लगा हुआ था। नमक का मोल चुकाना राजस्थानी आदमी जानता है, रात को लाछा का नमक खाया था। प्यारे बच्चों ये चोर 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 एक गांव में पहुंचे, मंडावरिया। कौन सा गांव? मंडावरिया, अजमेर, किशनगढ़ के पास में ही है। चोरों का पीछा करते मीर गांव की मीणा थे ऐसे कहते हैं, लेकिन कुछ नहीं ऐसा नहीं आएगा, चोर ले गए बस। और इस मंडावरिया में साहब तेजा जी ने लड़ाई इनसे युद्ध, किनसे? चोरों से। किसकी गायों को बचाने के लिए? लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए तेजा जी ने युद्ध लड़ा। और गायें छुड़वाई, गायें वापस ले आए थे तेजा जी, है कि नहीं? अरे सुन तेजा जी रे, अरे गीत सुन लियो, पूरो राजस्थान को कल्चर तो याद, 100% कल्चर याद। सुन तेजा जी रे, तारी बम्बी पे रे बम्बी पे, बम्बी है तो सांप का देवता, काली काली रे बादलिया बरसे रे, तेजा जी का गीत गाने से बारिश होती है। सुन तेजा जी रे, तारी बम्बी पे रे बम्बी पे, काली काली रे बादलिया बरसे रे तेजा जी। सुन तेजा जी रे, लाछा की रे लाछा की, तू तो गाया तो बेगी गणी लायो रे तेजा जी। तो बेटा राजस्थानी गीत सुनो, पूरा कल्चर याद हो जाएगा, शेयर करो, बचेड़ मचा दो शेयर करने की, दिखना चाहिए कि मजा आ गया, मजा आ गया, लाइक भी ठोको बेटा, लाइक भी ठोको। तो लाछा गुजरी की गायें किसने बचाई? तेजा जी ने। और लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए तेजा जी ने जो युद्ध लड़ा वो कहां पर है? मंडावरिया में। तो बताइए कहां की गायें बचाई थी तेजा जी ने? तेजा जी ने बचाई थी पनेर की गायें। कहां की बचाई थी? ये राजस्थानी गाने सुनो, बहुत काम की चीज, जी के तैयार हो जाएगा, पर तुम सुनते हो, चले आना तू पान की दुकान पे, साढ़े तीन साढ़े तीन साढ़े तीन बजे। कभी पसंद नहीं आएगा कि अमिताभ बच्चन ने उसको कहां बुलाया था, पान की दुकान पे, नाई की दुकान पे, ढाबे पर, सड़क के कोने पर, नहीं आएगा। अमिताभ ने उस हीरोइन को कब बुलाया? साढ़े तीन बजे, पौने तीन बजे, पौने चार बजे, पौने पांच बजे, आएगा क्या प्रसन्न ऐसा? ऐसे गीत सुनो जिनसे प्रसन्न आते हो, फिर देखो मजा हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। शेयर करो बेटा इसको, और शेयर करो, बछेड़ मजा दो, लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो। मैं बेशर्मा होकर के पढ़ाता हूं, तो बेटा तुम भी बेशर्मा होकर के शेयर करो, जो आपका दुश्मन हो उसके भी चेप दो, सड़क भेजो। तेजा जी, तेजा जी ने एक सांप को वचन दिया था कि मैं आपके पास आऊंगा, उसी वचन को निभाने के लिए तेजा जी पहुंचते हैं कहां पर? एक गांव है, जिस गांव का नाम है बेटा सुरसरा। सुरसरा में तेजा जी महाराज को सर्प डस लेता है, और उसी सुरसरा में तेजा जी, देखो वीर कई पर वचन वीर, दान वीर,
प्रणवीर है ना, सूर्यवीर तेजा जी थे, प्रणवीर भी थे, प्रणवीर भी थे, तो बेटा ये वचनवीर भी थे। तो वचन के लिए जो कुर्बान हो जाता है उसको भी वीर गति पाना ही कहते, क्योंकि वचन वाला भी वीर है। तो ध्यान देना, तेजाजी महाराज को सर्प ने डसा, कहां पर? जिव्या पर। उस गांव का नाम है सेंदरिया। कौन सा गांव? सेंदरिया। जिला कौन सा है? अजमेर। सांप के डसने के बावजूद भी तेजाजी चलते रहे, और तेजाजी ने जहां पर वीर गति पाई, वचन के लिए मरना भी वीर गति है। बाकी आपके पेपर में मृत्यु भी आ सकता है कि तेजाजी की मृत्यु कहां हुई, तो यह विधि भाद्र शुक्ला दसवीं विक्रम संवत 1160 के दिन सुरसरा में, सुरसरा जिला अजमेर। तो ध्यान देना, इनकी जन्मस्थली नागौर का खरनाड़ है, बाकी इनकी कर्मस्थली अजमेर है। जितने भी कर्म किए अजमेर में किया, एक तीर्थस्थली बांसी दुगारी बूंदी में भी इनका मंदिर है, इसलिए कई किताबों में कर्मस्थली लिखा है, जो गलत है। आदमी जहां कर्म करता है वो कर्मस्थली होती है। सांप डसा सेंदरिया में, मृत्यु हुई सुरसरा में, सुरसरा कहां? अजमेर। और इसी सुरसरा में बना हुआ तेजाजी महाराज का थान। तेजाजी का जो मुख्य मंदिर है वो मुख्य मंदिर कहां है? सुरसरा में। तेजाजी का मुख्य मंदिर कहां है? सुरसरा में। बेटा इस मंदिर का जो पुजारी होता है, इस तेजाजी के मंदिर के पुजारी को कहते हैं घोड़ला। क्या कहते हैं? घोड़ला। बताइए घोड़ला किसके पुजारी को कहते हैं? तेजाजी के पुजारी को। ये घोड़ला या पुजारी किस जाति का होता है? माड़ी जाति का। जो सुरसरा का मंदिर है ना, उस माड़ी जाति का ही पुजारी है। बाय द वे, मान लीजिए उस गांव में माड़ी नहीं रहते हो, तब जाके किसको बनाया जाता है? जाट को। लेकिन अपने प्रश्न आ जाए ना वरीयता में कि तेजाजी का पुजारी किस जाति का होता है, तो माड़ी जाति का होता है। और अगर पूछ लिया जाए कि माड़ी जाति के तेजाजी के उस पुजारी को क्या कहते हैं, तब उत्तर देना है उसको घोड़ला कहते हैं। बोलिए तेजा धनी की जय। शेर कर दिया अरे बेटा, प्रेम मंगलनाथ शेर करो। हे आपको याद रखने हैं तेजाजी का मंदिर नंबर, मुख्य मंदिर सुरसरा, जिला अजमेर, खरनाल, जिला नागौर, खरनाल का जिला नागौर, बांसी दुगारी, बांसी दुगारी बूंदी। एक मंदिर है इनका सुरेली गांव में। कौन सा गांव? सुरेली। सुरेली का जिला टोंक। सुरेली कहां पड़ता है? टोंक। इसके अलावा जहां इन्होंने युद्ध लड़ा, सांप ने डसा सेंदरिया, जिसको इन्होंने जहां युद्ध लड़ा मंडावरिया, वहां पर भी इनके मंदिर हैं। लेकिन ये इनके मुख्य मंदिर है। जिनमें से खास मंदिर है वो कौन सा? सुरसरा जिला अजमेर। बोलिए तेजाजी महाराज की जय।